नमस्कार, देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देशहित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है, इस देश का हित। बिल्कुल, खबर के पीछे का हित बताएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देशहित। आपके साथ मैं हूं अमन। आइए शुरुआत करते हैं आज की 20 बड़ी खबरों के साथ। गुरदासपुर के बटाला में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 20 लोगों की मौत। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त कि 10 मकानों को नुकसान पहुंचा। मलबे में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका। भारत रूस के बीच सैन्य, अंतरिक्ष, परिवहन सहित 15 समझौते। पीएम मोदी ने रूस को बताया भरोसेमंद दोस्त। पीएम मोदी और पुतिन के बीच कश्मीर पर की हुई बातचीत। कश्मीर पर रूस के समर्थन पर पीएम मोदी ने पुतिन को शुक्रिया। रूस के व्लादिवोस्तोक में पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा कश्मीर किसी भी तीसरे देश का दखल कश्मीर में बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी ने देखा शिप मेकिंग प्लांट। समंदर में साथ साथ सेक्स। सेना ने दिखाया लश्कर के गिरफ्तार आतंकवादियों के कबूलनामे का वीडियो। कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए दिन रात घुसपैठ की कोशिश में पाकिस्तान। घुसपैठ की कोशिश पर पाकिस्तान को सेना की सीधी चेतावनी। कहा 71 से भी बुरा करेंगे हाल। जम्मू कश्मीर में 370 के खात्मे के 30 दिन पूरे होने पर सेना का घाटी के युवाओं को संदेश। हथियार छोड़े, भविष्य बनाए। यूएपीए कानून के तहत मसूद अजहर, हाफिज सईद लखवी और दाऊद इब्राहिम आतंकवादी घोषित। रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी। लंदन में पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों की कायराना हरकत। भारतीय उच्चायोग के दफ्तर पर पत्थर, स्मोक बम, बोतल फेंकी। बीजेपी ने अनुच्छेद 370 पर जारी की वीडियो डॉक्यूमेंट्री। ऐतिहासिक भूल सुधार पर जनसंपर्क और जन जागरण अभियान में दिखाया जाएगा वीडियो। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार 13 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा सरकार की बदलने की राजनीति। कुमारी शैलजा बनी हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बने कांग्रेस विधायक दल के नेता। मुंबई में भारी बारिश से रेल और सड़क परिवहन पूरी तरह से ठप। कई इलाकों में पानी भर गया। मुंबई और गुजरात के बीच रेल सेवा प्रभावित। बारिश से मुंबई में तीनों लाइनों पर ट्रेन सेवा ठप। सेंट्रल वेस्ट नो हार्बर लाइन पर रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित। नए ट्रैफिक नियम के तहत भुवनेश्वर में ऑटो ड्राइवर का 47,000 रुपए का चालान। गुरुग्राम में भी एक ऑटो ड्राइवर का 37,000 का चालान करना है। बॉलीवुड के दबंग के घर से विदा हुए डेढ़ दिन के गणपति बप्पा की विदाई में जमकर झूमे सलमान खान। तो देशभर में आज के 5 बड़े